गुड मॉर्निंग मैम। सर आपका नाम डालिए ना वहाँ पर, वो ऐसे सीखते हो तो कंफ्यूजन हो जाता है। अच्छा 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 मैम डालता हूँ। ठीक है, थैंक यू। तो तबीयत कैसी है आपकी? बढ़िया है मैम। अच्छा ठीक है।
गुड आफ्टरनून सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे मॉर्निंग मॉर्निंग। चलो अपना डिफरेंशिएशन का एक पार्ट बाकी है, बट वो अपन एओडी के साथ करेंगे क्योंकि एओडी का यूज होता है उसमें। तो नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। जितना फंक्शन, जितना अपना बड़ा था ना चैप्टर, और जितना लॉजिकल चैप्टर था, उतना ही लॉजिकल चैप्टर अपना ये एओडी है, ठीक है। तो फंक्शन कैलकुलस का जितना भी पढ़ चुके अभी, फंक्शन, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, वो सब का चैप्टर यहाँ पे यूज करेगा ये वाला, समझ गए। तो सब चैप्टर का यूज इसमें होने वाला है, इसलिए ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है और डिवाइडेड है सब पार्ट्स में, तो थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है। चलो फंक्शन का अभी तुम अगर कुछ भूल गए होगे तो रिवाइज करो, फंक्शन से लेके डिफरेंशिएशन तक जितना पढ़ा है सब रिवाइज करना है ना, सब नोट्स अपने रेडी रखना है ताकि पढ़ने में देखो आप स्टार्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, कैलकुलस का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर फंक्शन और ये, ठीक है। जितना पढ़ चुके हैं सब यूज होने वाले हैं अभी, तो इसको सब पार्ट में डिवाइड किया। तो पहला पार्ट लिख लेते हैं इसका, ठीक है। पहला पार्ट मान लो ए पार्ट है वो, और इसका ए पार्ट जो है वो है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स टू कर्व, ठीक है। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल टू कर्व्स आवाज आवाज आ रही है, दिख रहा है सबको? हाँ सर, क्लियर है सर। ठीक है, ये अपन चीज पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएबिलिटी में, टेंजेंट क्या होता है, ठीक है। टेंजेंट अपन ने जो दसवीं में डेफिनेशन पढ़ा है कि भाई एक पॉइंट से पास टच हो गई, वो पॉइंट पे जो कर्व पे अगर टच हो गई वो टेंजेंट होती है, वो सब गलत डेफिनेशन है। करेक्ट डेफिनेशन क्या पढ़ी अपन ने टेंजेंट का डिफरेंशिएबिलिटी में, जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट इज लिमिटिंग केस ऑफ सिकेंड, या उसको बोलते हैं कॉर्ड, लिमिटिंग केस ऑफ सिकेंड और कॉर्ड थ्रू पॉइंट, है ना। ये अपन पढ़ चुके हैं, जैसे मतलब ये मेरे पास कोई कर्व है ना, मान लो पॉइंट ए है, ठीक है। ये वाला एक मेरा सिकेंड है, एक ये है ना, ये मान लो ए बी है और ये सी है। अब जैसे मैं बी को ए की तरफ मूव करूंगा तो ये इधर इधर ऐसा 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 आता जाएगा, ऐसा ऐसा बनता जाएगा, ऐसा ऐसा। तो एक जब बी पर यहाँ पे ए पे आ जाएगा तो एक यहां से एक टेंजेंट बनेगा, और जब सी को इधर से मूव करोगे तो यहाँ पे सी ऐसा 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 टेंजेंट बनता जाएगा, ऐसा ऐसा। तो जब परफेक्टली यहाँ पे आ जाएगा तो एक तुम्हारा एक ऐसा टेंजेंट बनेगा, ठीक है। तो लिमिटिंग केस है मतलब ये बी जो है ना ए की तरफ मूव कर रहा है, सी भी ए की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये जो अपना टेंजेंट बना, मान लो ये एटी वन है, ये ए टी टू है, तो ये एक पूरा टेंजेंट बन गया अपना, ठीक है। तो इसको अपन टेंजेंट बोलते हैं, टेंजेंट उसको नहीं बोलते एक पॉइंट पे टच कर गया उसको टेंजेंट, दैट इज नॉट द करेक्ट डेफिनेशन। करेक्ट डेफिनेशन डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ा चुका हूं, टेंजेंट इज लिमिटिंग केस ऑफ सेकेंड और कॉर्ड थ्रू अ पॉइंट, ठीक है। तो इस पॉइंट पे
कोई भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाना है अपने को, तो उसको फिक्स करके अपने को वो जो वेरिएबल पॉइंट है उसको मूव करो उसकी तरफ, तो उसको अपने को उस तरफ उस पॉइंट पे अपने को एक पर्टिकुलर टेंजेंट मिलेगा। ठीक है, तो ये अपना डेफिनेशन था डिफरेंशिएबिलिटी में जो अपन ने पढ़ा है। सेकंड क्या है, सेकंड ये जैसे मान लो मेरे पास कोई ग्राफ y इज इक्वल टू, जैसे मान लो मॉड x, रूट मॉड x है, ठीक है, y इज इक्वल टू रूट मॉड x। अब तुमको ये बात तो पता है कि y इज इक्वल टू रूट x का ग्राफ तो ऐसा होता है, ठीक है, लेकिन उस पर मॉड लगा दिए तो उसका रिफ्लेक्शन अपने को इधर मिलेगा, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू रूट मॉड x, ठीक है। अब मेरे को बोला कि इसमें टेंजेंट क्या है, इसमें टेंजेंट कौन सा वाला इसमें टेंजेंट है, ठीक है ना, तो अपने को पता लगाना इसमें टेंजेंट कौन सी है। मान लो यहां पे मैंने कोई एक पॉइंट रख दिया B, मान लो यहां पे मैंने मतलब इस पॉइंट पे मान लो इसको मान लो A, यहां पे C, अगर मैंने A को C को मूव किया किसकी तरफ, इस तरफ, यहां इसकी तरफ A की तरफ, और इसको इसकी तरफ मूव किया, तो तुमको पता है यहां से जब ये मूव करेगा तो ये ऐसा यहां पे ऐसा आएगा और इस साइड से भी ये ऐसा आएगा, तो तुमको पता चल जाएगा कि हाँ जो ये लाइन बनी है ये इस ग्राफ की, ये जो फंक्शन है ये इसकी टेंजेंट है, और ये कौन सा, ये कौन सा है, ये तुम्हारी वाई एक्सिस है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वाई इज इक्वल टू रूट मॉड एक्स में तुम्हारा टेंजेंट क्या है, लिख सकते हो कि टेंजेंट इज वाई एक्सिस, y-axis, tangent क्या है y-axis, लेकिन अगर tangent का यहाँ पे slope पूछ लिया तो तुमको पता है ये तो एक vertical tangent हो गई, तो vertical tangent का slope क्या होता है, undefined, vertical tangent is formed at a, vertical tangent is formed at a, hence slope is undefined, है ना, ये चीजें पढ़ा चुका हूं सब डिफरेंशिएबिलिटी में, अपन पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर किया है अच्छे से, तो बिल्कुल आ जाएगा ये चीज, ठीक है। मतलब मैंने बी पॉइंट को ए की तरफ मूव किया, कौन सी साइड से, राइट हैंड साइड से, और सी पॉइंट को ए की तरफ मूव किया लेफ्ट हैंड साइड से, तो तुमको पता है यहां से मूव करेंगे जब अपन इस पॉइंट को तो इसको अपन बोलते हैं लेफ्ट राइट हैंड डेरिवेटिव, और जब यहां से मूव करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे इस पॉइंट पे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो जहां पे अपने को ये टेंजेंट मिलेगा तो ये जो अपना ये है ना वाई एक्सिस, ठीक है, तो वाई एक्सिस अपना क्या होगा, इसको टेंजेंट हो जाएगा ये वाले को, ये जो कर्व फॉर्म हुआ इसको टेंजेंट होगा, समझ गए, तो वाई एक्सिस और टेंजेंट, चलो इतना लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, हाँ है ना, ये चीजें अपन पढ़ चुके हैं बट फिर भी एक बार रिपीटेशन के लिए थोड़ा बता देते हैं, और याद रखो ये चैप्टर में एक भी लेक्चर मिस हो गया तो पूरा सब चैप्टर जाएगा, पहले बोल रहा हूँ। हाँ हेलो सर, हेलो, हाँ सर, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक नया चैप्टर है कि सर उसमें ही टॉपिक है डेरिवेटिव में? नहीं नहीं नहीं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक नया चैप्टर है, फंक्शन जितना चैप्टर है ना उतना ही चैप्टर ये बड़ा उतना, समझ गए, कैलकुलस के सबसे बड़े चैप्टर हैं फंक्शन और एओडी, तो एओडी में सबका यूज होने वाला है, फंक्शन का यूज, कंटिन्यूटी, लिमिट्स, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन सब यूज होगा इसमें, हो गया सर, हो गया, ठीक है, हो गया, एक मिनट सर बाकी। हाँ हेलो सर, हेलो, हाँ सर, वो फर्स्ट पॉइंट में लिमिटिंग केस के बाद क्या है? लिमिटिंग केस ऑफ सेकंड, सेकंड, सेकंड और कॉर्ड, ठीक है,
लेट क्यों ज्वाइन हुआ रहे चेतन तू? सर बहुत देर से हुआ। अच्छा अच्छा फर्स्ट पॉइंट ड्रॉप कर देता हूँ ठीक है। अब देखो तीसरा पॉइंट, मान लो लेट पॉइंट ए इज ऑन कर्व है, मान लो कोई एफ एक्स कॉमा वाई है ना, कर्व इज इक्वल टू मतलब कोई कर्व है, फंक्शन नहीं है, फंक्शन अलग है कर्व अलग है। यहाँ फंक्शन में एक्स और वाई साइमल्टेनियसली नहीं आते, इसमें एक्स वाई आ रहे हैं ठीक है, मतलब ये फंक्शन भी कवर कर रहा है और कर्व भी कवर कर रहा है, क्योंकि अगर सर्कल लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है, तो सर्कल इज नॉट ए फंक्शन। तो अगर कोई कर्व है पॉइंट पे कर्व है ठीक है, देन इफ एग्जिस्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए, ए पॉइंट मान लो एक्स वन वाई वन ठीक है, कैन बी गिवन एज क्या हो जाएगा, टेंजेंट का इक्वेशन ए पॉइंट पे वाई माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन ठीक है, और तुम्हारा एम क्या है यहाँ पे, एम इज तुम्हारा जो डेरिवेटिव है dy by dx, m इज स्लोप कौन से पॉइंट पे एट ए पे ठीक है, जहां पे टेंजेंट बनेगी जिस पॉइंट पे उसी पॉइंट पे dy by dx फाइंड करते हैं अपन ठीक है। हाँ देन तीसरा पॉइंट हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए, ठीक है यहाँ पे एक पहला नोट एक लिख लो, नोट फर्स्ट नोट फर्स्ट क्या लिखना है कि अगर टेंजेंट अगर टेंजेंट वर्टिकल है इट्स इक्वेशन कैन बी गिवन एज है ना, इस इक्वेशन कैन बी गिवन एज एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वन, अगर टेंजेंट वर्टिकल है तो उसका इक्वेशन दे सकते हैं एक्स इक्वल्स टू एक्स वन, इन दिस केस डीएक्स अपॉन डीवाई एट ए कितना होगा, जीरो होगा। अब इसका मतलब क्या है कि टेंजेंट वर्टिकल है, अगर टेंजेंट वर्टिकल है तो उसका स्लोप अनडिफाइन होगा सही है, ये मतलब ये जो एम है एम डीवाई बाई डीएक्स अनडिफाइन होगा, अगर डीवाई बाई डीएक्स अनडिफाइन है तो डीएक्स बाई डीवाई उसका रेसिप्रोकल है, तो dx by dy कितना होगा, जीरो होगा, समझ गए? क्या सर समझ में नहीं आया? अरे भाई dy by dx अगर undefined है तो dx by dy तो जीरो होगा ना? हाँ। Differentiation chapter में पढ़ा है ना dy by dx is what? 1 upon dx by dy ठीक है, तो इसका मतलब ये जीरो होगा। अब अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो देखो अनडिफाइन मतलब होता है क्रूडली बोलते हैं उसको अपन 1 बाय 0 सही है ना, अनडिफाइन को बोलते हैं 1 बाय 0, तो m की जगह 1 बाय 0 पुट करो तो 0 मल्टीप्लाई होगा इधर तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहां पे 1 हो जाएगा तो x माइनस x1 तो x उधर गया तो इक्वेशन क्या बन जाएगा x = x1 ठीक है, कौन से केस में जब टेंजेंट वर्टिकल होगी तब ठीक है, दिस इज नोट फर्स्ट वन कि अगर स्लोप एंड टेंजेंट वर्टिकल होती है तो उसका इक्वेशन क्या होता है x = x1
ठीक है। ये लिख लो, नोट फर्स्ट फिर नोट टू लिखते। थर्ड पॉइंट मिटा दूं? हाँ सर। नोट टू लिख लेते हैं। इफ आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग x1 comma y1 in dy by dx it becomes undefined, okay, it becomes undefined, then use first principle or और लिमिट फाइंड कर सकते हो उसकी लिमिट एट x इज इक्वल टू x1 dy by dx लिमिट फाइंड कर सकते हैं x की x1 पे dy by dx की लिमिट है ना। अगर dy by dx फाइनाइट आता है ठीक है तो कोई नहीं स्लोप तो m ही आ जाएगा ठीक है तो स्लोप तो m ही आएगा फाइनाइट है तो स्लोप ठीक है। अगर dy by dx मान लो प्लस माइनस या इंफिनिटी आ जाता है तो उससे पता चल जाएगा वर्टिकल टेंजेंट फॉर्म हो गया है वर्टिकल टेंजेंट ठीक है। अगर LHL और RHL इक्वल नहीं आया लिमिट सॉल्व करने के बाद तो टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा Tangent does not exist, ठीक है। अगर फ्लक्चुएटिंग आ रहा है तो भी यूज फर्स्ट प्रिंसिपल ठीक है यूज फर्स्ट प्रिंसिपल। आदर्श हो गया क्या तू? नहीं सर। सर वो यूज फर्स्ट प्रिंसिपल के ऊपर क्या लिखा है? यूज फर्स्ट प्रिंसिपल और नहीं सर वो नीचे वाला अगर dy/dx x1 y1 पे अनडिफाइन हो जाता है तो फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करो नहीं तो उसका लिमिट निकालो x1 पे। अगर फाइनाइट आ जाता है तो स्लोप मिल जाएगा। अगर dy/dx प्लस माइनस इनफिनिटी की तरफ चला जाता है तो उसका मतलब है वहां पे वर्टिकल टेंजेंट फॉर्म होगी। अगर लिमिट उसका LHL RHL इक्वल नहीं आता इसका मतलब टेंजेंट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर फ्लक्चुएटिंग आ जाता है तो फर्स्ट प्रिंसिपल ही यूज करना पड़ेगा। हो गया सर हो गया। नोट 3 पे आ जाते हैं। नोट 3 बोलता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट ए विल बी ठीक है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल
तो उसको n से डिनोट कर दिया, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू नॉर्मल का स्लोप क्या आ जाएगा, माइनस वन अपॉन m इंटू x माइनस x1, ठीक है, इस तरीके से उसका इक्वेशन हो जाएगा, है ना। बट एक कंडीशन, एक मतलब एक चीज याद रखो, जैसे मान लो टेंजेंट ये ए पॉइंट है ना, टेंजेंट फॉर्म हुई इस पे, तो ये नॉर्मल है क्या यहाँ पे, बताओ ये नॉर्मल है क्या इस पे, बताओ ये कर्व है, ये नॉर्मल है कि नहीं, बताओ इस कर्व पे। नहीं नहीं देखो ये याद रखो, ऐसे तो इनफाइनाइट नॉर्मल फॉर्म हो जाएंगे, लेकिन अपने को नॉर्मल इक्वेशन कब मिलेगा, जिस पॉइंट पे तुम्हारा टेंजेंट फॉर्म हुआ है ना, उसी पॉइंट पे तुम्हारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म होगा, याद रख लो, समझ गए, क्योंकि और कहीं नहीं मिलेगा, यहीं पे मिलेगा वो सिर्फ। और तुमको पता है ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, अब दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन होता है, समझ गए। तो इसलिए अगर टेंजेंट का स्लोप एम है तो इसका स्लोप माइनस वन अपॉन एम है, बिकॉज दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप प्रोडक्ट का स्लोप माइनस वन होता है, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, है ना, और इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन dy, है ना, x माइनस x1, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। सर वो नॉर्मल वाला क्या बताया सर एक बार, जहां पे तुम्हारा जिस पॉइंट पे तुम्हारा टेंजेंट फॉर्म हुआ है ना, अब ये नॉर्मल ना इसी पॉइंट पे फॉर्म होगा ए पे, यहाँ पे फॉर्म नहीं हो सकता ये नॉर्मल इक्वेशन, तो जिस पॉइंट पे तुम्हारा टेंजेंट फॉर्म हुआ ए पे, उसी से तुम्हारा नॉर्मल पास करेगा, समझ गए, तब जाके तुमको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिलेगा, है ना, यहां से कहीं नहीं, यही नॉर्मल होगा, इस कर्व का नॉर्मल यही होगा, ये नहीं हो सकता, सिर्फ ये होगा, क्योंकि जिस पॉइंट से टेंजेंट बना है उसी पॉइंट से नॉर्मल ही बनेगा, उस पॉइंट से ही नॉर्मल पास होगा, ठीक है, चलो समझ गया सर, ठीक है। एक नोट फोर लिख लो, जैसे पैरामेट्रिक में है कि इफ y इज इक्वल्स टू एफ टी एंड x इज इक्वल्स टू जी टी, ठीक है, पैरामेट्रिक में दिए, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट at t is equals to t1 is given as f minus f of t1 is equals to dy by dx, कौन से पॉइंट पे, at t1, x minus g of t1, ठीक है, तो दिस इज द इक्वेशन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। अब dy by dx तुमको पता है पैरामेट्रिक का किसे निकलता है, dy by dt, dx by dt, लिख लो लगे तो dy by dx कैन बी इवेल्युएटेड बाय dy by dt अपॉन dx by dt, हो गया सर, हो गया, चलो, हाँ सर, हाँ हो गया। नोट फाइव पे आते हैं, अगर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है, इफ वर्टिकल का तो देख लिया, इफ टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल,
हॉरिजॉन्टल, तो स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा और dy by dx कितना हो जाएगा, जीरो, है ना। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, जीरो। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, जब हॉरिजॉन्टल होगा तो y इज इक्वल टू y1, समझ गए, क्यों, क्योंकि तुमको पता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, तो स्लोप जीरो हो गया, तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू y1, ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्लोप में। और नॉर्मल के केस में, इन केस ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल के केस में तुमको पता है इक्वेशन क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू x1, हो गया। हाँ सर हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं। देखो नेक्स्ट नोट मान लो सिक्स क्या है भाई, कि इफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट पॉइंट, द टेंजेंट and normal, well, the tangent and normal will pass through, will pass through point A, point A, है ना, ये तो एक बता चुको, चलो ठीक है, तो अभी लिख देते हैं, नोट सेवन पे आ जाते हैं, ठीक है। इफ टेंजेंट पासेस थ्रू पॉइंट ए, इफ टेंजेंट पासेस थ्रू पॉइंट ए, इट डज नॉट मीन, it does not mean that tangent is drawn at, it does not mean that that tangent is drawn at point A. अब देखो इसका मतलब क्या है, जैसे तुमको दो स्टेटमेंट दिए, बोला है कि टेंजेंट इज ड्रॉन एट पॉइंट ए, तो इसका मतलब है कि ए से टेंजेंट को ड्रॉ किया है, 100% ए से ड्रॉ किया है। लेकिन अगर ऐसा बोल दिया ना तुमको कि टेंजेंट पासिस थ्रू पॉइंट ए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ए पॉइंट पे टेंजेंट है, समझ गए, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा, देखो मान लो ये कोई कर्व है, ठीक है, अब टेंजेंट इज ड्रॉन एट पॉइंट ए, चलो ठीक है, ए पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया है ना, मान लो ऐसा कोई कर्व है, उसको बोला कि टेंजेंट इज ड्रॉन एट पॉइंट ए, ये स्टेटमेंट ये हो गया। लेकिन अगर ऐसा बोल दिया कि टेंजेंट पासेस थ्रू पॉइंट ए, तो ये तो मान लो ये ऐसा हो गया, तो ये पॉइंट ए हो गया, अगर ये तो ए से पास कर रही है और टेंजेंट यहां पे भी बन सकती है बी पे, समझ गए कि नहीं, तो अपन इसका स्लोप कहां पे फाइंड करेंगे, स्लोप कहां पे फाइंड करते हैं, जहां पे टेंजेंट बनता है, जहां से पास करता है वो नहीं, क्योंकि ये टेंजेंट ए से पास कर रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अपन ए पे डीवाई बाई डीएक्स निकालेंगे, तो यहां पे तो टेंजेंट ऐसी कुछ बनेगी फिर, समझ रहे हो कि नहीं, समझ रहा हूं, लेकिन यहां से तुम देखो ये अपने को यहां पे फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि टेंजेंट अपनी बी से पास हुई है, तो डिफरेंस समझ लो, टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट ए मतलब ए से पास हुई है, टेंजेंट पासेस थ्रू पॉइंट ए मतलब ए से पास हो रही है, टेंजेंट बनी नहीं है ए पे, बी पे बन सकती है,
तो अपन क्या करेंगे इस केस में, dy by dx कहां पे फाइंड करेंगे, एट b, समझ गए? ठीक है चलो, इसका मतलब वो है जो मैं लिखाना चाहता हूं। समझ गया सर, समझ गया। इससे अपने को क्या मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा, किसका, लाइन ab का स्लोप, स्लोप ऑफ ab, m ab मतलब स्लोप ऑफ ab। चल लिख लिया है तो फिर आगे बढ़ते, और अगर इसका निकालना है स्लोप तो यहां से भी निकाल सकते हैं, है ना, ये ए पॉइंट पे वैल्यूएट होगा। चलो रब करूं? हाँ सर, हाँ ओके। नेक्स्ट नोट डाल दो, नोट 8 है 7 है पता नहीं, नोट 8 ही होगा, ठीक है। इफ लाइन मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट, इफ लाइन मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट विद एक्सिस, विद एक्सिस, एक्सिस मतलब दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ए एक्स ई एस मतलब, देन इट्स स्लोप विल बी माइनस वन, है ना। अगर लाइन इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है दोनों एक्सिस पे तो इसका मतलब, मतलब कैसा, ये ना ये एक, ये वाई इंटरसेप्ट होता है और ये एक्स इंटरसेप्ट होता है, इतना काटा हुआ पार्ट एक्स इंटरसेप्ट और इतना काटा हुआ पार्ट वाई इंटरसेप्ट, ये जब दोनों इक्वल होते हैं तब तुम्हारा स्लोप कितना होता है, डी वाई बाई डी एक्स कितना होता है, माइनस वन। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन क्या होता है, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू वन, स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया गया होगा, ठीक है। ये ए लेंथ होता है, ये बी लेंथ होता है, तो दोनों इक्वल है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x by b plus y by b is equals to 1, ठीक है। x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 by b plus dy by dx into 1 by b is equals to 0, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, dy by dx is equals to minus 1 by b, ठीक है। और ये b यहाँ पे है तो b यहाँ पे जाएगा, तो dy by dx कितना आ जाएगा यहाँ पे, माइनस, ऐसा है वो, ठीक है, समझ गए? हाँ सर, हाँ सर, हाँ। जब भी इक्वल इंटरसेप्ट बनता है, इक्वल इंटरसेप्ट है ना, then its slope will be माइनस वन, ठीक है। चलो ध्यान में तुमको बस वही रखना है, माइनस वन होगा। चलो नेक्स्ट लिख लेते हैं, नोट 9, if length of intercepts are equal, ये स्ट्रेट लाइन में बताया जाता है कि भाई जब लेंथ इंटरसेप्ट का इक्वल होता है
स्लोप अपना प्लस माइनस वन लेते हैं अपन स्लोप, तो डी वाई बाई डी एक्स वन होगा या माइनस वन होगा, ठीक है, और दोनों एक्सिस पे बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इन दिस केस, लाइन विल मेक इक्वल एंगल विद बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है। अगर इफ लाइन मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विद एक्सिस देन इट स्लोप इज माइनस वन, अगर लेंथ दोनों का इक्वल दिया है तो स्लोप प्लस माइनस वन, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तब समझेगा। सर ये 8 वाला और 9th वाला पॉइंट एक जैसा ही है ना? नहीं, बताता हूं ना, इक्वली इसको बोल सकते हैं, इक्वली इंक्लाइंड विद बोथ एक्सिस। यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है कि दोनों पे इक्वली इंक्लाइंड है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या है, दोनों इक्वली इंक्लाइंड है। अगर ऐसा कभी बोल दिया कि दोनों इक्वली इंक्लाइंड है तो तुमको स्लोप प्लस माइनस वन लेना है। हेलो सर, हेलो, हाँ हाँ बोल सर। वो ब्रैकेट में सेकंड लाइन है ना, इक्वल एंगल विथ इक्वल, हाँ में विथ के बाद क्या लिखा हुआ है, बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस, और वो लास्ट में सर ये और इक्वली इंक्लाइंड विद बोथ एक्सिस, एक्स यस हो गया सर, हो गया, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। पहला, टू कर्व y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स एट 1.6, ठीक है। तो अपने को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है इस कर्व पे, कौन से पॉइंट पे, 1.6 पे। तो अपने को पता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है y माइनस वाई वन m टाइम्स x माइनस x वन। तो अपने को पहली बात तो dy by dx की जरूरत है, dy by dx कौन से पॉइंट पे, एट x इज इक्वल टू 1 पे, ठीक है। तो dy by dx कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, तो 1 पे कितना आ जाएगा, ये 3 प्लस 4 प्लस 3 मतलब 10 आ गया एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1 पे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, y माइनस y1 कितना है मेरा 6, स्लोप कितना आ गया मेरा 10, x माइनस x1 कितना है मेरा 1, तो y माइनस 6 इज इक्वल टू 10x माइनस 10, ठीक है। तो y ये माइनस से इधर आया तो कितना हो जाएगा, इसको माइनस 10x, 10x है ना, माइनस 10x माइनस 10 प्लस 6 तो ये माइनस 4, तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, y इज इक्वल टू 10x माइनस 4, है ना। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ओके, समझ गया? हाँ सर, है ना, हाँ सर, हाँ।
हो गया सर, हो गया। और एक याद रखो कि भाई जो पॉइंट है ना, वो पॉइंट हमेशा इस कर्व को सेटिस्फाई करेंगे, समझ गए? ये पॉइंट है ना, यहाँ पे करके देख लेना, सिक्स मतलब वन पुट किया तो सिक्स आ जाता, और यहाँ पे भी सिक्स, सिक्स इक्वल्स टू सिक्स। अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं तो फिर वो गई है, गड़बड़ है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट डिफाइन करना है बी पार्ट, कौन से कर्व पे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 9/2 एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 एट पॉइंट वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सर वो 9/2 है कि a बाय टू है? 9/2 एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 एट पॉइंट वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है? तो मतलब कोई कर्व है ऐसा, वहां से टेंजेंट पास हो रहा है ए पॉइंट से, मान लो वो पॉइंट एक्स वन कॉमा वाई वन है और वो टेंजेंट एक्स एक्सिस से पैरेलल है, ठीक है? तो एक्स एक्सिस से पैरेलल है, इसका मतलब उसका स्लोप तो जीरो होगा एट एक्स इज इक्वल टू एक्स वन पे, ठीक है? तो अपन पहले डीवाई बाई डीएक्स अगर फाइंड करते हैं इसका, तो कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 9/2 इनटू 2x प्लस x, कौन से पॉइंट पे? अभी अपने को पॉइंट तो दिया नहीं है ना, ठीक है? पॉइंट ही फाइंड करना है अपने को, एट पॉइंट वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। अगर पॉइंट फाइंड करते हैं, पॉइंट फाइंड करने के बाद अपन उस टेंजेंट की इक्वेशन में पुट करेंगे, तो डीवाई बाई डीएक्स कौन से पॉइंट पे? एट एक्स इज इक्वल टू एक्स वन, तो ये कितना आ जाएगा 3x1 स्क्वायर 9/2 एक्स वन प्लस 6, है ना? अब टेंजेंट तुम्हारा क्या है, x एक्सिस से पैरेलल है, तो dy बाई डी एक्स जीरो होगा, तो इसका मतलब 3x1 स्क्वायर माइनस 9/2 एक्स वन 9/2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एलसीएम एलसीएम ले तो ये कितना हो जाएगा 6x1 स्क्वायर माइनस 9x1 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 2x1 स्क्वायर माइनस 3x1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है? तो इसके फैक्टर आते क्या सर? वो सर वो 9/2 x1 सर 9x1 आता। हाँ तो 9x1 ही लिखा ना, 9/2 लिखा सर। नहीं सर वो ऊपर 3x1 का। अच्छा 2 कैंसिल हो गया, ठीक है 2 अपना 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3x1 स्क्वायर माइनस 9x1 प्लस 6, ये तो 0 हो गया स्लोप, 3 कॉमन निकाल लिया, x1 स्क्वायर माइनस 3x1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है? तो इसके फैक्टर निकलते क्या सर? x इज इक्वल टू 1 और 2। हाँ x1 की वैल्यू एक तो 1 आ गया और x1 इज इक्वल टू 2, दो वैल्यू आ गए अपने पास, ठीक है? अब देखो दो वैल्यू आ गए, इसका मतलब अपने को टेंजेंट के इक्वेशन भी दो मिलने वाले हैं, ठीक है? तो अगर x1 का वैल्यू, ये तो x1 है ना, x1 y1, तो ये x1 y1 जो भी है ये तुम्हारा x1 है और ये x2 ले लो, ठीक है? x2 का x1 ही होगा, x1 है। तो देखो ये ना इक्वेशन, ये जो है ये पॉइंट टेंजेंट कर्व से पास हो रहा है, तो मतलब इस कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा वो, सही है? तो मैं यहां पे पुट करके देखता हूं, तो y1 ले लेते, y1 इज इक्वल टू x1 क्या है, यहाँ पे x1 कितना गया 1 माइनस 9/2
into 1 plus 6 into 1 plus 5. So y1 is equals to कितना आ जाएगा ये 6 और 5 11 12 माइनस 9 बाय 2 12 माइनस 9 बाय 2 कितना था 11 नहीं सर 15 बाय 2 11 माइनस 9 बाय 2 आता ना 12 6 5 11 1 12 माइनस 9 बाय 2 15 बाय 2 होता क्या हाँ 15 बाय 2 24 माइनस 9 सही है ना हाँ हाँ तो y1 कितना आ गया मेरा 15 बाय 2 ठीक है तो इसका मतलब क्या हो गया अपना एक्चुअली में देखो ये हो गया मेरा y1 हो गया मतलब अपना x1 y1 कितना आ गया कितना आ गया x1 कितना था मेरा 1 कॉमा 15 बाय 2 तो इससे क्या मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या मिल जाएगा मेरा y माइनस 15 बाय 2 और स्लोप कितना है मेरा कहां पे निकाला स्लोप मैंने हाँ स्लोप भी निकालना पड़ेगा x1 पे ये देखो इसका स्लोप भी निकालना पड़ेगा ठीक है तो अपन ये स्लोप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ये 3 है ना स्लोप निकालेंगे तो हाँ बोलो सर x1 की वैल्यू 2 क्यों नहीं लिया अभी पहले ये लिख रहे ना रुक ना मैं तेरे को बता रहा हूँ वो रीजन भी x1 की वैल्यू मैंने 1 ली है फिर 2 लूंगा रुक तो जा पहले x1 ले लिया अपन ने ठीक है अब x1 तू देख मेरे को एक बात बता मैं देखो तेरा डाउट इधर ही क्लियर हो जाएगा देख मेरे को एक बात बता ये कर्व ये मैंने ऐसा कर्व बनाया है एक्चुअली ये कर्व ऐसा भी हो सकता है पता है देखो ये टेंजेंट एक इधर फॉर्म हो रहा है और एक टेंजेंट इधर फॉर्म हो रहा है समझ गया इसका मतलब यहाँ पे x1 y1 और यहाँ पे भी टेंजेंट फॉर्म हो रहा होगा समझ गया इसलिए दो पॉइंट आए ना x1 y1 अगर दो x1 आ रहे हैं तो दो y भी आएंगे हाँ, तो दो टेंजेंट फॉर्म हो रहे हैं इस कर्व पे ठीक है तो इसलिए पहले x1 लिया मैंने तो इसका x1 पे स्लोप देख लेते कितना है तो यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा x1 पे 3 माइनस 9 बाय 2 और ये कितना आ जाएगा 2 2 कैंसिल हो जाएगा ना 9 बाय 2 प्लस 6 ये कितना होता 6 प्लस 3 9 9 बाय 9 बाय 2 तो 9 बाय 2 ना 9 बाय 2 स्लोप आ गया और x माइनस x1 x1 कितना आ गया मेरा 1 है ना इसको सॉल्व कर लो तुमको इक्वेशन मिल जाएगा कौन से पॉइंट पे 1 कॉमा 15 बाय 2 फिर एट x1 इज इक्वल टू 2 ठीक है तो 2 करेंगे तो ये यहां पे पुट करो तो यहां से तुमको y मिलेगा तो कितना मिल जाएगा यहां पे तुम्हारे को y is equals to 2 put करोगे तो 8 minus 9 by 2 into 2 का square plus 6 into 2 plus 5 8 minus 9 to the 18 plus 12 plus 5 18 minus 8 10 12 22 27 तो y कितना मिल गया तुमको 27 ठीक है देख लो कैलकुलेशन y का वैल्यू मेरा 27 आ गया x1 का वैल्यू मैंने 2 पुट किया तो है ना चेक करने तो x क्यूब माइनस x1 की वैल्यू पे मैंने 1 पुट किया तो फिर ठीक है सही है y1 x2 2 पे 2 पुट करने पे कैलकुलेशन चेक करो 2 पुट करने पे 2 का वैल्यू 8 माइनस 9 बाय 2 4 9 टू 18 6 टू 12 प्लस 5 6x प्लस 5 ये सही है ना अपना देखो कैलकुलेशन 6 12 7 5 सही है ना हाँ 27 तो इसका मतलब कौन से पॉइंट मिल गए मेरे को 2 कॉमा 27 ठीक है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या मिल जाएगी y माइनस y1 y1 कितना मेरा 27 m अब x2 ये इस वैल्यू पे स्लोप निकालो तो इस पे स्लोप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा dy by dx तो 3 into 9 minus 9 by 2 2 2 कैंसिल हो गया फिर x कितना 3 क्या 3 6 नहीं एक में
थ्री इंटू नाइन कैसे हो गया, टू निकाल रहे ना अपन, टू का ट्वेल्व फोर, फोर इंटू थ्री ट्वेल्व, माइनस नाइन बाय टू, टू टू तो कैंसिल हो गए, x x का वैल्यू कितना मेरा टू प्लस सिक्स, तो ट्वेल्व माइनस अठारह प्लस छ, बारह प्लस छ अठारह, अठारह माइनस अठारह जीरो, जीरो जीरो आ रहा अपना टू पे स्लोप इसका, तो जीरो आ रहा है, तो अपना ये जीरो आ गया स्लोप, x माइनस टू, इसका मतलब y इज इक्वल टू 27, ठीक है ना, स्लोप देख लो कॉन्सेप्ट, दो पे स्लोप यहाँ पे पुट कर दो स्लोप, टू ये टू एक्स, टू टू तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, टू का स्क्वायर फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइन टू जा एटीन प्लस सिक्स, माइनस एटीन प्लस सिक्स माइनस ट्वेल्व, माइनस ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व जीरो, तो स्लोप जीरो आ गया, इसका मतलब y इज इक्वल टू 27, ठीक है। हाँ सर, ठीक है। हाँ मैं ये क्वेश्चन तुम लिख लो, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, वो तुम्हारा बस एक होमवर्क दे रहा हूँ, वो तुमको करना है, ठीक है। क्या बोला है कि इन विच फॉलोइंग केसेस, है ना, क्वेश्चन है कि एफएक्स, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एफएक्स हैज वर्टिकल टेंजेंट, कौन से फंक्शन में वर्टिकल टेंजेंट फॉर्म होता है, ठीक है। पहला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू वन बाय थ्री, सेकेंड एफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम एक्स, थर्ड फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू टू बाय थ्री, फोर्थ एफ एक्स इज इक्वल टू रूट मॉड एक्स, फिफ्थ। हेलो सर, हेलो। हाँ सर, वो पहले वाले क्वेश्चन में एक डाउट है सर। कौन सा पहला वाला? सर ये अभी अभी जो आपने बताया वो क्वेश्चन, सर वो उधर लिखा है y माइनस 15 बाय 2 इज इक्वल टू 9 बाय 2 इनटू x माइनस 1 राइट हैंड साइड पे। सर राइट साइड पे ये सर उधर उधर वो इक्वेशन लिखा है सर, वो y माइनस 15 बाय 2 y माइनस 15 बाय 2 सर वो x y 1 कॉमा 15 बाय 2। हाँ हाँ क्या हो गया, क्या हो गया बोला, ने स्लोप 9 बाय 2 लिया हुआ है ना। हाँ हाँ पर सर वो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना पॉइंट वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, जिस क्वेश्चन में दिया है, कौन से ये वाले क्वेश्चन में अभी जो कराया? हाँ सर उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ था ना वेयर अ पॉइंट वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, सर स्लोप फिर 0 आएगा ना। अरे हाँ यार टेंजेंट, टेंजेंट्स बराबर है, स्लोप अपने को ये दिया है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, सही है, तो इसका मतलब इसका स्लोप 0, अपने को यहां पे सिर्फ x1 y1 पॉइंट फाइंड करना है और क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताना है, सही है। मतलब क्या आ जाएगा, y1 जो पॉइंट आएगा ना वही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा,
ठीक है, हाँ तो स्लोप जीरो लिया अपन ने, स्लोप भी फाइंड कर दिया, ठीक है। देख लो कैलकुलेट कर लेना उसका, है ना, जीरो पुट कर दो और एक्स वन वाई वन फाइंड कर लो। ठीक है, ये तुमको बताना है कि इस कौन से फंक्शन में वर्टिकल टेंजेंट फॉर्म होती, ठीक है। कौन सा, एक और लास्ट क्वेश्चन भी है इसमें, फिफ्थ। ये फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो इफ एक्स लेस देन जीरो और वन इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो तुमको बता रहे हैं वर्टिकल टेंजेंट का फॉर्म होती है, कौन से फंक्शन में फॉर्म होती है, ठीक है। हाँ सर, हाँ तो चलो कल कंटिन्यू करेंगे इसके आगे। ओके बाय बाय। ओके सर, बाय बाय सर, बाय।